दोस्तों उड़ीसा के भरतपुर पुलिस स्टेशन में जो भी इंसिडेंट हुई उम्मीद करते आप सभी को पता होगा। और इस इंसिडेंट के बाद दो तरह के लोग सामने आते हैं, पहले वो जो पूरी तरीके से विक्टिम को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे वो जो पूरी तरीके से पुलिस स्टाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं डिस्कस कर रहा है कि पुलिस कैसे एक इन सर्विंग ऑफिसर को जेल में डाल सकती है, वो भी घंटों घंटों के लिए। और इस इंसिडेंट के बाद वहां के डीसीपी प्रतीक सिंह का जो स्टेटमेंट आता है आप खुद भी देख सकते हैं। बहुत अग्रीव्ड थे किसी बात को लेकर। जब वो थाने में पहुंचे तो थाने में जो महिला ऑफिसर चार्ज में थी उनके पास गए और वहां पर जाते ही थोड़ा सा एग्रेशन में बात करना शुरू किए। जब ऑफिसर ने उनको बोला कि आप शांत हो जाइए और बैठ के जो भी घटना हुई है आपके साथ उसके बारे में बताइए हमको, तो वो और ज़्यादा एग्रीव्ड होके एकदम से ऑफिसर के ऊपर चिल्लाने लगी और बोलने लगी कि अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाइए और मैं उनसे ही बात करूंगी, तुम लोगों से बात नहीं करूंगी। इस तरीके से कुछ खराब तरीके से ऑफिसर्स के साथ मिसबिहेव करने के मैनर में बात की, तो जो ऑफिसर थी उसने अपनी सीनियर एक महिला अधिकारी को बुलाया जो कि वहाँ पहुँची। तो ये जो महिला थी इन्होंने उनके साथ भी मिसबिहेव किया है और जो भी थाने में ऑफिसर थे सबको अभद्र भाषा में उनके साथ बात की। देख के लग रहा था कि वो कोई प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है और इंटॉक्सिकेशन के सिचुएशन में है, और जाके जितना भी थाने का परिसर था उसमें घूम के सारा जगह पे हल्ला करने लगी और गेट में धमकाने लगी ऑफिसर्स को। यही सब घटना होने के बाद जब महिला ऑफिसर्स ने उनको रिस्ट्रेन करने की कोशिश की तो उनके साथ हाथापाई की। एक महिला ऑफिसर को सब इंस्पेक्टर को उन्होंने झापड़ मारा, उसके बाद एक महिला ऑफिसर को उन्होंने दांत से काट लिया उंगली पे, जो उन्होंने कोशिश की जब उनको रोकने की। इस तरीके से उन्होंने बहुत मिसबिहेव किया ऑफिसर्स के साथ। और अब आप विक्टिम के स्टेटमेंट को आप सुनिए। फीमेल ऑफिसर ने मेरा फाल पकड़ के जोर से खींच खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रहे प्लीज स्टॉप, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया। उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे। और इस इंसिडेंट की अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने इस इंसिडेंट को जुडिशियल इंक्वायरी के लिए परमिशन दे दी, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है इस इंसिडेंट में किसकी गलती है, पुलिस वाले या फिर जो विक्टिम है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे जो हमारा मेन मोटिव है इस वीडियो के पीछे, कि पुलिस वाला कैसे एक सर्विंग ऑफिसर को घंटों घंटों तक जेल में डाल सकती है। और ये इनकी तरफ से कोई पहली बार नहीं हुआ, ऐसी घटनाएं बहुत बार हो भी चुकी है, हम इस पर आवाज भी उठा चुके हैं। और मैं आपको बताते चलूं कि रिसेंटली में राजस्थान में जिस तरह से पैरा कमांडो को निर्वस्त कर पुलिस स्टेशन में पीटा गया और ये कहवाया गया कि पुलिस जो है वो भारतीय सेना की बाप है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जब मेजर को उनकी वाइफ के सामने पुलिस उठा कर लेके चली जाती है, उनकी वाइफ चीखते रहती है वीडियो पर, रोते रहती है। और अभी कैप्टन गुरवंश को जिस तरह घंटों घंटों तक लॉकअप में बैठा कर रखा गया, उन्हें पीटा गया, आप सोचिए ये कितने हद तक सही है। और ये घटना अभी वायरल हो गई है इसलिए हमारे सामने आ रही है, ना जाने ऐसी कितनी घटनाएं होती आ रही है। आप ये सोचिए जब ऐसी घटनाएं होती हैं, जब पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई होती है तो रिजल्ट क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ सस्पेंशन। आप खुद भी अंदाजा लगाइए, जो संस्था पूरे देश की रक्षा कर रही है वो अपने घर के अंदर खुद ही सेफ नहीं है। जब हमारी फौज नहीं सेफ है इस पुलिस वालों के द्वारा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एक सिविलियन है हमारा और आपका क्या होता होगा। हमारा और आपका तो छोड़िए, जो ग्रामीण एरिया में अगर आप जाए जहां पर मीडिया नहीं पहुंच सकती, जहां पर कैमरा तक नहीं है, वहां पर आप सोचिए कितना दहशत का माहौल होगा उन लोगों के बीच इन पुलिस वालों को लेकर के। ये केस अभी जुडिशियल इंक्वायरी में चली गई, अब सालों साल तक वहां पर केस चलेगा। अब आप बताइए कि ये जो इंसिडेंट हुआ, क्या इस इंसिडेंट के बाद जो ऑफिसर की इज्जत गई, जो उन्हें पुलिस स्टेशन में रख के पीटा गया, उनके साथ मिसबिहेव किया गया, क्या उनका ये इज्जत वापस आ जाएगा?
अब आप लिख के भी ले लीजिए, ये जो कार्रवाई हो रही है अब सालों साल तक चलेगी और कुछ दिन बाद लोग इस कार्रवाई को भूल भी जाएंगे। हमारे डिफेंस मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि खुलेआम मन से खड़े होकर कहते हैं हम अपने फौजी और हमारे फौजी के परिवारों के साथ हैं, ऐसे इंसिडेंट के बाद आपका स्टेटमेंट कहाँ चला जाता है? स्टेटमेंट तो छोड़िए, आप एक ट्वीट भी नहीं करते। इनको छोड़िए, जो हमारे सुप्रीम कमांडर है तीनों सेना के, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। और सबसे बुरा ये लग रहा है देखकर कि ये जो इंसिडेंट हुआ उड़ीसा में, हमारी जो प्रेसिडेंट है वो भी उड़ीसा से है, वो भी एक वुमेन है, इसके बावजूद भी इनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता, और ना ही कमांडर होने के बावजूद भी एक सोल्जर के लिए इनका कोई स्टेटमेंट आता है। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ कि 1959 में अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर सोल्जर की वाइफ के साथ कुछ गुंडे छेड़छाड़ करते हैं, जिसके बाद वो सोल्जर उन गुंडों को चेज करते हैं और वो गुंडे नजदीकी सिनेमा हॉल में जाकर छिप जाते हैं, जिसके बाद वो सोल्जर जाकर के अपने कमांडिंग ऑफिसर ज्योति मोहन सेन को ये सभी इंसिडेंट को बताते हैं, जिसके बाद जो सीओ साहब है वो ऑर्डर देते हैं कि आप सभी लोग जाइए और जाकर सिनेमा हॉल को चारों तरफ से घेर लीजिए, जिसके बाद सोल्जर्स उन गुंडों को सिनेमा हॉल से बाहर घसीट कर निकालते हैं, और उन्हें तब ये पता चलता है कि उनमें जो गुंडों का जो हेड है वो उस वक्त के जो सीएम है प्रताप सिंह उनका बेटा है, जिसके बाद सोल्जर्स नंगा करके इन्हें अमृतसर की गलियों में घुमाते हैं और बाद में फिर यूनिट में ले जाकर इन्हें बंद कर देते हैं। और जब ये खबर वहां के सीएम प्रताप सिंह के पास पहुंचती है तो वो खुद चलकर जाते हैं उन गुंडों को छुड़ाने के लिए, और गेट पर उन्हें संतरी रोक देती है, क्योंकि संतरी का कहना था कि सीओ साहब ने गाड़ी को अंदर आने से मना किया है। तब उस वक्त सीएम पैदल जाते हैं सीओ साहब के पास, और जाने के बाद सीओ साहब जो थे वो डायरेक्टली मना कर देते हैं कि हम इन्हें रिलीज नहीं करेंगे। सीएम साहब गुस्से में आकर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी को फोन करते हैं इन गुंडों को छुड़वाने के लिए। फिर नेहरू जी जब जनरल थिमैया को फोन करते हैं कि इन गुंडों को रिलीज कर दिया जाए, तो जनरल थिमैया साफ साफ मना कर देते हैं और नेहरू जी से कहते हैं कि जब हम अपने घर के अंदर अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे तो आप उम्मीद भी कैसे कर सकते कि हम अपने देश को सुरक्षित करेंगे। पूरे वीडियो में आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।